दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट। दोस्त आज से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसा कि यहाँ हम नीचे देख पा रहे हैं, नई शिक्षा नीति में परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, ठीक है। एक चीज आप जानते हैं, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से आपका एग्जाम जो है, जैसे BA BSc और BCom की अगर हम बात करें तो यहाँ हर वर्ष दो सेमेस्टर में कराए जाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था, BA BSc का जो एग्ज़ाम होता था वह वार्षिक होता था, साल भर में एक बार आपकी परीक्षा फाइनली हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जब नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से आपका एग्ज़ाम जो है यह सेमेस्टर वाइज कराया जा रहा है। आज से पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। सवाल आप एक चीज़ का कर रहे थे कि MA MSc MCom फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस अपडेट में MA MSc से एग्ज़ाम से रिलेटेड बेहतरीन अपडेट दी गई है कि MA MSc MCom मीन्स अगर देखा जाए PG जो होगा, PG वालों का एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी के बारे में भी मैं बात करूँगा। नीचे लिखा गया है परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो इस समय एग्ज़ाम में बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट बातें मैं बताने वाला हूं, इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए अपडेट आपके सामने रखी जा रही है, थोड़ा सा ब्लर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर लिखा गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, आज से शुरू होगी महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, ठीक है। जिले में चार कॉलेज बनाए गए नोडल केंद्र, तैयारियाँ पूरी। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं सुल्तानपुर ज़िले की अपडेट है। नीचे लिखा गया है कि यहाँ से देखते हुए चलेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार कराई जा रही सेमेस्टर परीक्षा सोमवार से होगी, ठीक है। सोमवार से वहीं स्नातक कक्षाओं के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जिले के महाविद्यालय में आयोजित हो रही है। इसके लिए चार महाविद्यालय में नोडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अवध विश्वविद्यालय की BA BSc व BCom प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से होकर 9 अप्रैल तक चलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मंगलवार है, कल से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट था, ठीक है, और आज भी आपकी परीक्षाएँ सकुशल सम्पन्न कराई जा रही हैं। नीचे लिखा गया है, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसके लिए जिले में चार महाविद्यालय नोडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अवध विश्वविद्यालय की ओर से BSc BCom की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी। इस बार सेमेस्टर परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में होगी। जिले में करीब 100 महाविद्यालय संचालित हैं, इसमें स्नातक कक्षाओं में तकरीबन 40,000 विद्यार्थी नामांकित हैं जो सेमेस्टर परीक्षा में बैठेंगे। नीचे लिखा गया है कि परीक्षा नियंत्रक उमानाथ ने बताया कि महाविद्यालय में छात्र छात्राएं गृह केंद्र पर ही परीक्षा देंगे, ठीक है। सॉरी, जो महाविद्यालय की छात्राएँ हैं, ठीक है, जैसे लड़कियों की अगर हम बात करें वो अपने महाविद्यालय में ही परीक्षा देंगे। स्ववित्तपोषित कॉलेज के बालकों के लिए दूसरे महाविद्यालय में केंद्र बनाया गया है। वहीं एडेड कॉलेजों के छात्र छात्राएं गृह केंद्र पर ही परीक्षा देंगे। जैसे अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यह चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी और आज भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को पता भी हो गया होगा, ठीक है, छात्र छात्राएं गृह केंद्र पर ही परीक्षा देंगे। ऐसे में 5 एडेड तो करीब 95 सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज संचालित हो रहे हैं। सभी नोडल केंद्रों पर प्रतिदिन परीक्षा शुरू होने के करीब 2 घंटे पहले महाविद्यालय में प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाएँ दी जाएंगी। परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परीक्षा थोड़ा सा और जूम करेंगे, क्षमा चाहते हैं, परीक्षा संपन्न होने के बाद उसी दिन नोडल केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी होंगी। परीक्षा को लेकर महाविद्यालय की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हैं, एक अपडेट इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं, इन कॉलेजों को बनाया गया नोडल। जिले में केनाई, राणा प्रताप PG कॉलेज, संजय गांधी PG कॉलेज, चौकिया, लंबुआ और संत तुलसीदास PG कॉलेज को नोडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है, ठीक है। यहां लिखा गया है, या आप देख पा रहे हैं, 40,000 के आसपास विद्यार्थी स्नातक कक्षाओं में कराया है नामांकन और 100 महाविद्यालय में जिले में तकरीबन संचालित हैं। स्ववित्तपोषित कॉलेज के लिए महाविद्यालय में केंद्र बनाया गया है, जबकि एडिड कॉलेजों के छात्र और छात्राएं
केंद्र गृह केंद्र पर ही देंगे परीक्षा। ठीक है, इन सभी को आप देख पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है, आप सभी को पता है अगर आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो आप जो है अपने ही सेंटर पर परीक्षा देंगे, अगर आपका एग्जाम जो है कॉलेज प्राइवेट है तो आप दूसरे सेंटर पर जाकर परीक्षा देंगे, सिर्फ यह बालकों के लिए लागू है। ठीक है, सवाल आपके मन में यहाँ आ रहा है, देखिए अगर मैं बात करूँ MA MSc MCOM फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे ही आप प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त होता है इसके तत्काल बाद आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, यह 100% सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होंगी। रही बात परीक्षा से संबंधित, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपका एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, अपने एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए जितने से अधिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब आपके पास समय नहीं बचा है, सिर्फ आप स्टडी करें, जितना अधिक से अधिक पढ़ पाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।